हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन दिखाने वाला हूँ। बहुत से लोगों ने ये मेडिसिन नहीं देखा होगा, पहली बार ही देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो मेडिसिन है कुछ जगह ही चलती हैं और कई जगह मिलती ही नहीं है। तो देख पा रहे हैं इतनी सारी मेडिसिन है। जिन लोगों ने इस मेडिसिन को यूज़ किया है या यूज़ करते हुए देखा है तो कमेंट करके बताइएगा। खास करके यूपी में तो ये ऐसे मिलती नहीं है जल्दी। ठीक है, ये देखिए कैसे पैकिंग में आता है। आज तक आपने जो मेडिसिन है देखी होगी, स्ट्रिप में देखा होगा, जो पैकिंग में आते हैं 10 टैबलेट का, 15 टैबलेट का, या कैप्सूल फॉर्म में देखा होगा, ऐसे नहीं देखा होगा आपने। तो मैं एक एक दवा दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे पैकिंग में आता है। आपने पैरासीटामोल डोलो देखा होगा ना, ये भी पैरासीटामोल है। ये देखिए, देख पा रहे हैं, पैरासीटामोल 500 mg। तो इसका भी मैं रिव्यू करूँगा एक अच्छे से, पर्सनली एक एक मेडिसिन पर, और इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, अगर पेशेंट को देने के बाद क्या इनका फीडबैक आता है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें कौन कौन सी मेडिसिन लूज़ में आती है, खुली दवाई जिसको बोलते हैं, खुला दवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके सामने है पैरासीटामोल। सेकेंड थिंग आप देख पा रहे हैं, ये है डेक्सामेथासोन। ओके, ये है डेक्लोफेनेक सोडियम, जो दर्द में काम करता है, दर्द और बुखार में। डेक्लोफेनेक सोडियम हो गया। ये बेटनिसोल है, बेथामेथासोन सोडियम फास्फेट टैबलेट 0.5 mg। देख पा रहे हैं बहुत सारी दवाइयां हैं इसके अंदर, मैं एक एक करके निकालता हूँ। ये आपका हो गया, आप पेट दर्द, डाइक्लोसाइक्लामाइन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये एनाल्जेसिक है और एंटीस्पास्मोडिक, मतलब पेट दर्द के लिए भी है, और ये तो कमाल है। रिप्लेक्स प्लस, डेट मीन से मल्टी विटामिन है, आई थिंक, हाँ मल्टी विटामिन है। देख पा रहे हैं इसके फार्मूले से पता लग रहा है मल्टी विटामिन है, जिससे का बीपी लो रहता है या बहुत वीकनेस लगता है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको यूज़ करते हैं। जिन लोगों का ये टैबलेट के बारे में फुल रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताइएगा, आपका इसका मैं फुल रिव्यू करूँगा। अभी मैं इसको खोल नहीं सकता हूँ, उसको पैकिंग में है इस तरह के, उसको बंद डब्बे में रखना होता है, उसको हवा ना लगे। देख पा रहे हैं ये भी ही है, और ये आप देख पा रहे हैं फोमोटाडिन, जो आपने स्ट्रिप में देखा होगा अभी तक, वो हर्ट शेप की है, बहुत अच्छी टैबलेट है। कई लोग तो देखेंगे इसको खुश हो जाएंगे, हर्ट शेप में है फोमोटाडिन। ये एसिडिटी या गैस के प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है, दिया जाता है, पता होगा जो मेडिकल फील्ड में होंगे। और ये भी फोमोटाडिन ही है। बेटनिसोल बता दिया मैंने आपको, डेक्लोफेनेक, और ये एंजाइम टैबलेट जिसको गैस वैस की प्रॉब्लम होती है, देख पा रहे हैं ये आयुर्वेदिक है, जो एंजाइम है इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है देखा जाए तो। ये है सेट्रिजन, CTZ के नाम से आता है, लीकोप के नाम से आता है मार्केट में अलग अलग। तो 100 टैबलेट की पैकिंग में है, जितने आप देख रहे हैं, ये 100 टैबलेट की पैकिंग है इस तरह की, CTZ। ओके, और कौन सी दवा रहेगी है इसमें, और देखा जाए इसमें निमोपेरा भी है, निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल, निमोपेरा। आई थिंक इसमें ये होता है ना, जैसे आप स्ट्रिप वाली मेडिसिन कम, स्ट्रिप वाली में, और इसमें ज़्यादा डिफरेंट है कि प्राइस का, ये बहुत ही चीफ प्राइस में मिल जाता है। ये नाइसिप टैबलेट है, निमोसलाइड ओनली DT। ओके, तो देखा जाए इसमें बहुत सी और भी बहुत सी मेडिसिन है डब्बे में पैकिंग है, इसको मैं आपको अलग से रिव्यू कर दूंगा। और ऐसी मेडिसिन्स मिलती हैं, ये ज़्यादातर देखा जाए, आपने देखा होगा मुंबई, पंजाब, ये सब ज़्यादा वहाँ यूज़ होता है, वहाँ डब्बे में इसको पैकिंग कर लेते हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं जर्नल। तो उसमें जो हल्का फुल्का जो बुखार वाले हो गए, या कोल्ड कफ फीवर, या कह सकते हैं स्टमक पेन, एसिडिटी की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें देते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें होता क्या है कि कॉस्ट इसकी जो है बहुत कम है, और पेशेंट को भी बहुत कम प्राइस में अच्छी मेडिसिन मिल जाती है, और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है इसका, देखा जाए तो इसका मतलब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत कम प्राइस में, बहुत कम पैसे में अच्छी दवा मिल जाती है। इवन आप, मैं नॉर्मल बताऊँ, इसकी 4 खुराक आपको 20 से 30 रुपये में मिल जाएगा, सोचिए। ये भी एक मेडिसिन इंक्लूडिंग, जैसे जो भी प्रैक्टिस करते हैं इसमें एंटा एसिड हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, और इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक, कोई नॉर्मल सा आप रख सकते हो फ्लोफ्लॉक्सासिन, इंक्लूडिंग करके 30-40 रुपये में आपको 3-4 खुराक दवा मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई इसके रिगार्डिंग सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।